हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ट्राई दीज है पेज नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर है 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट्स है टोटल, और क्वेश्चन में क्या है वो जब आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और जब सॉल्यूशन करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने इसे पहले वाले वीडियो में किया था, जिसके कि 5 पार्ट थे और हमने ये 5 पार्ट किए थे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 डिजिट दे रखी थी, और फिर हमें इन 4 डिजिट का इस्तेमाल करके ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था। लेकिन जो अभी हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें 3 डिजिट दी हुई है और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये तब इसके लिए हमें एक छूट है कि हम एक डिजिट को, हमारी मर्जी की एक डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे चाहे 3 को करें, चाहे 8 को करें, चाहे 7 को करें, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम एक ट्रिक जो है वो अपनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर के केस में हम जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है उसे रिपीट करेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर के केस में हम जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसे हमें रिपीट करना होगा। तो याद रखिएगा कि क्या याद रखना है कि आप जब ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहे हैं तो ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे, और जब स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे हैं तो आप स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब हमें इस सॉल्यूशन को करना है। एवर को आप क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहें, समझना चाहें, वैसे तो समझ में आ गया होगा, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन आपको एक डिजिट रिपीट कर सकते हैं, और जो डिजिट आपको इस्तेमाल करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर 3, 8 एंड 7 है। बी पार्ट के अंदर जो डिजिट्स है वो है 9, 0 एंड 5, और सी पार्ट में है 0, 4 एंड 9, और डी पार्ट में है 8, 5 और 1। आपसे कुछ कहा गया है, सोचिए हर केस में आप कौन सी डिजिट को दो बार लिखेंगे। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, जब स्मॉलेस्ट का केस आएगा तो स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे, और जब ग्रेटेस्ट का केस आएगा तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ पर हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम 8 को दो बार लिखेंगे, और जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे इसी तो 3 डिजिट का इस्तेमाल करके, तो हम 3 को रिपीट करेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर 9 ग्रेटेस्ट के केस में रिपीट करेंगे और 0 स्मॉलेस्ट के केस में रिपीट करेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर भी सेम होगी, 0 स्मॉलेस्ट के केस में रिपीट करेंगे और 9 ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर के केस में हम रिपीट करेंगे। और यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट जब हम नंबर लिखेंगे इन 3 डिजिट का इस्तेमाल करके 4 डिजिट का नंबर लिखेंगे, तो हम 8 को रिपीट करेंगे, दो बार लिखेंगे, और जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा 8, 5 और 1 का इस्तेमाल करके 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, तो हम 1 को रिपीट करेंगे। तो अब क्लैरिटी हो जाएगी वैसे ही जैसे हम इस सॉल्यूशन को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन को, लेट अस डू। सॉल्यूशन, डिजिट्स टू यूज 3, 8, 7। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट नंबर के केस में हम 8 को रिपीट करेंगे, क्योंकि 8 सबसे बड़ा नंबर है। अब बाकी बचे दो नंबर 7 एंड 3। यहाँ पर हम जो रिपीट करने वाले हैं नंबर,
मतलब रिपीट नहीं करेंगे, जो नंबर पहले लिखेंगे वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर उसके बाद छोटा नंबर, मतलब पहले 7 और फिर 3। क्लियर हो गया? अब दूसरे केस में हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये नंबर और फिर ये नंबर लिखा जाएगा, लेकिन 8 एक बार और नहीं लिखेंगे, हमें तो रिपीट 3 करना है, तो मतलब 3 और फिर 3 और फिर 7 और फिर 8, उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। 3, दो बार 3 लिख दिया, फिर 7 और फिर 8। क्लियर हुआ? तो एक तरीके से क्या हुआ, इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, पहले 3 लिखा, फिर उससे बड़ा नंबर 7 था 3 डिजिट में, और फिर उससे बड़ा नंबर 8 था, तो इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया और रिपीट किया है सबसे छोटा नंबर जो कि है 3। क्लियर हो गया? यही चीज़ हम अब बाकी के पार्ट्स में भी हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिपीट सबसे बड़ा नंबर 9। वैसे एक बार आप ऐसा कीजिए, इन नंबरों को ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। क्लियर है? तो इन सब के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 9, उसके बाद है 5 और फिर होगा 0। इसे उतरते हुए क्रम में हम लिखेंगे, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे 9, 5 एंड 0। अब रिपीट करना है ग्रेटेस्ट केस में सबसे बड़ा नंबर, तो फिर हम इसको 9 को रिपीट कर देंगे। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट नंबर, इनका इस्तेमाल करके 3 डिजिट का इस्तेमाल करके 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर के केस में हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में की बजाय असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, तो हम लिख देते हैं इन 3 डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले 0, फिर 5 और फिर 9। अब क्योंकि इसके अंदर रिपीट करना है हमें सबसे छोटा नंबर, तो हम 0 रिपीट कर देते हैं। अब आप ये बताइए, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं ना, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो कर दिया, ओके है। अब ये बताइए, ये 4 डिजिट का तो नंबर नहीं है ना, हमें तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये 59 बना जो कि 2 डिजिट का नंबर है, और लेकिन हमसे तो पूछा गया था 4 डिजिट का नंबर, इसलिए हम जो 0 आता है उसे हमें यहाँ पे ना लिख करके 0 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा नंबर होगा उसके बाद लिखेंगे। तो 00 जो है हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे कर देंगे, तो 5009 जो है वो नंबर हुआ स्मॉलेस्ट नंबर। जब 0 आता है तो हमें ऐसे करना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर भी थी, जो 8873 के अंदर है, हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले इन 3 नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर जो कि 8 है, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 3, और जो 8 है उसको रिपीट कर दिया, दो बार लिख दिया। इसी तरीके से इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, जो 3 डिजिट है उसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, और जो सबसे छोटा नंबर था उसे हमने रिपीट कर दिया, 3 दो बार लिख दिया, वैसे ही यहाँ पे किया, लेकिन 0 जो है 0 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है उसके बाद लिखा है, पहले लिखने पर ये 2 डिजिट का बन जाता है। तो यही चीज़ अब इस वाले पार्ट के अंदर भी हमें ध्यान देनी है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी 0 आया हुआ है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। सी है ये जो पार्ट है, और ये वाले नंबर जो है 049 हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो इसको पहले हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरते हुए क्रम के अंदर। तो पहले आएगा सबसे पहले 9, फिर 4, फिर 0। 9, 4, 0 4 डिजिट का बनाने के लिए जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, डिजिट है इसमें, उसे हमें रिपीट करना है, मतलब 9 को, तो 9 दो बार लिख दिया। अब स्मॉलेस्ट केस में इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, सबसे पहले 0, फिर 4 और फिर 9। हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, और क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है इसलिए 0 को रिपीट करना है।
अब जीरो पहले लिखने पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि दो डिजिट का बन जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा करके जीरो के बाद जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है उसके बाद हमने इसको लिख दिया। क्लियर है? तो ये टू का सी पार्ट है, ये हमने कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। अब 851 हमें इसको इन तीन डिजिट का इस्तेमाल करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर केस में इसको लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि ये पहले से ही लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो 8 सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है और 4 डिजिट का बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे, मतलब 8 को दो बार लिखेंगे। अब स्मॉलेस्ट केस में हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़े के रूप में। तो 1, फिर 5 और फिर 8। अब क्योंकि स्मॉलेस्ट का केस है और हमें डिजिट रिपीट करनी है, तो वो जो डिजिट रिपीट होगी वो सबसे छोटी डिजिट होगी, जो कि 1 है, तो 1 को दो बार लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे कह सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा सोल्व करने की, प्रॉब्लम कोई जो आपको आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट है, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो पार्ट हो गए, अब इसके बाद है ये सी एंड डी। ओके देन, बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।